राशियों का अगर हम डिवीजन करें तो राशियां हमें दो प्रकार की मिलती हैं, एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी क्या होती हैं मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब उसमें दिशा भी हो और उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी हो, उसकी कुछ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो, तो हम बोलेंगे वो क्या होती है सादिश राशियां होती है। और अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो हम उसे क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, आदिश राशियां बोलते हैं। लेकिन क्या ये परिभाषा कंप्लीट है, हमें समझने की आवश्यकता होगी। अभी इसका हम हिंदी हिंदी में अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो सा मतलब साथ में दिश मतलब दिशा, तो इसका भावार्थ केवल दिशा से देखा जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी राशियां जिसमें दिशा निर्धारित हो उसे हम सदिश राशियां बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, और ऐसी राशियां जिसमें दिशा निर्धारित ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बहुत जो कॉमन सा एग्जाम्पल होता है, एक होता है आपका डिस्टेंस जिसे आप बोलते हो दूरी, है ना, डिस्टेंस जिसे क्या बोलते हो दूरी बोलते हो, और दूरी आप क्या बोलोगे दूरी एक आपकी अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर आप विस्थापन की बात करोगे या डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे ये क्या है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है। अभी मैं बोलूं कि कोई अभी किसी प्लेन में, है ना, किसी तल में कोई मैं दो बिंदु ले लेता हूं ए और बी, और कोई व्यक्ति अभी कोई व्यक्ति क्या करता है ए से बी की तरफ जाता है, ए से बी की तरफ जाता है, तो ये इसके द्वारा कुछ दूरी क्या हुई होगी चली होगी, ये कभी आके यहां पे पहुंचेगा, इसके द्वारा कोई दूरी चली गई होगी, मैं बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस क्या हो रहा है डी चल रहा है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी यहां पर हमारा इसे हम डिस्टेंस से निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं बोलूं कि ये कहां पे था, ये पश्चिम दिशा में था और ये पूरब दिशा की तरफ चला है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चला है, अगर हम इसमें एक क्या दे दें एक डायरेक्शन भी बता दें कि ये एक दिशा में जा रहा है, तो ये हम क्या बोलेंगे इसने विस्थापन किया है, इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, ए से बी की तरफ किया है, और कितने का किया है डी यूनिट का किया है, किस दिशा में किया है वेस्ट टू ईस्ट किया है, तो हम इसे लिख देंगे कि ये जो डी है वो क्या किया है वेस्ट टू ईस्ट किया है, हम ऐसे इसे डिनोट करके बोल सकते हैं। मैं ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में ऐसा कोई आपका डायरेक्शन डिनोट किया जाता है, वेक्टर हालांकि जब आपका प्रयोग होता है तो वेक्टर के आगे ऊपर आप लोग बाल लगाते हो जब भी आप किसी चीज को वेक्टर क्वांटिटीज में डिनोट करते हो तो। लेकिन क्या यह परिभाषा हर जगह आपकी सुइटेबल हो जाएगी, अभी मैं बात करूं कि आपने डिस्टेंस की बात किया, एक बार बल की बात कर लेते हैं, फोर्स की बात कर लेते हैं। अभी बल क्या कहता है, बल मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है जब भी फोर्स होता है तो उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आप ऐसे समझो मास मतलब कि आपका द्रव्यमान और एक्सेलरेशन मतलब कि आपका त्वरण, किस त्वरण से कोई बॉडी क्या कर रहे हो मूव कर रहे हो। जैसे एक डब्बा रखा हुआ है और डब्बे में सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो, है ना, सपोज करो कि आप इसे पुश कर रहे हो, और अगर आप इस डब्बे को ढकलने का प्रयास कर रहे हो तो ये किसी एक्सेलरेशन ए की तरफ से किसी दिशा में मूव करेगा, दिशा में मूव करेगा कि नहीं करेगा, और क्योंकि इसका द्रव्यमान m होगा तो इसी m इंटू ए का गुणा कर दोगे तो आपको वो फोर्स मिल जाएगा, लेकिन आप एक दिशा बता रहे हो, क्या बता रहे हो, एक दिशा बता रहे हो कि मैं इस डब्बे को ढकेल रहा हूं, आप इधर से खड़े हो तो डब्बा आगे की तरफ जाएगा, आप पश्चिम में खड़े हो तो किसकी तरफ जाएगा वेस्ट में खड़े हो तो पूरब की तरफ जाएगा, आप इधर से खड़े होकर इधर को पुश करोगे तो पूरब से पश्चिम की तरफ करोगे, तो इसमें क्योंकि एक दिशा निर्धारित हो गई तो इसे आप क्या बोल दोगे, इसे आप वेक्टर बोल दोगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दिमाग में बना होगा कि नहीं बना होगा, क्या बना होगा, अभी मैं बोलूं इलेक्ट्रिक करंट, और आप एक मिनट के लिए पॉज लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है कि सदिश राशि है, आप मुझे बताओ, इतने लोग मौजूद हो तमाम लोग बताओ कि मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक जो करंट है विद्युत धारा जिसे बोलते हो वो क्या है स्केलर क्वांटिटी है या फिर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ मुझे, थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या आप डिसाइड कर पा रहे हो कि मैं इसे स्केलर बोलूं या वेक्टर,
सपोज करो आपको ये याद नहीं है, सपोज करो आपने किताबों में पढ़ा था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलूं और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलूं, ठीक, मैं इलेक्ट्रिक करंट बोलूं और मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोलूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलूं, ईएमएफ की बात करूं, तो क्या आप दोनों में निर्धारित कर पा रहे हो कि कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं निर्धारित कर पाओगे। कारण क्या है? कारण अभी मैं आपको समझाता हूं कि भाई एक ये वायर है, समझना, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, और ये तीनों वायर आके क्या हो रहे हैं, किसी एक स्विच में लगे हुए हैं, और यहां से एक कॉमन वायर जा रहा है। इसमें भी करंट I1 बह रही है, इसमें करंट I2 बह रही है, इसमें करंट I3 बह रही है। अभी मैं पूछूं यहां पे कितना करंट आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहां पे कितनी करंट आ रही है मैं पूछूं, तो आप बोलोगे I1 आएगा, I2 आएगा, I3 आएगा। और अब क्या ये आप दिशा निर्धारित कर पा रहे हो? क्योंकि यहां से कोई चीज आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, और ये सारी किधर हो रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। तो आप बोलोगे सर इसमें दिशा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको तुरंत बोलूं कि चलिए ठीक है, आपने मुझे बोला कि इसमें दिशा है, मैं एक वायर लाके इधर से जोड़ दिया और एक वायर लाके इधर से जोड़ दिया, और दोनों में करंट, एक में आई फोर बह रही है और एक में करंट आई फाइव बह रही है, तो ये तो सारी दिशाओं से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये जा रही है, मैं इसमें एक वायर और निकाल दूं और मैं बोलूं कि एक वायर यहां पे है, ठीक, तो मैं बोलूंगा अगर इसमें I1 प्लस I2 प्लस I3 आ रही है तो इसमें क्या आएगा? I3 प्लस I4 आ रही है। इन दोनों का करंट, जितनी आउटपुट निकल रही है, ये करंट इनपुट करंट के बराबर होगी। ये सभी को आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट में हम चीज को, हम लोग जब विद्युत वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा इसे। लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हो? अभी बोल रहे हो जितना इनपुट आया करंट का उतना आउटपुट जा रहा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, ये यहां पर अगर I4 आएगी तो यहां पे क्या हो जाएगी? I3 प्लस I5 आएगा। अल्टीमेटली अगर आप यहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 करंट आएगा, तो यहां पे भी I1 प्लस I2 ऐसे करके I5 करंट ही जाएगी। दोनों तरफ करंट क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन आप देख रहे हो वही करंट, कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट उधर जा रही है, क्या आप इसका दिशा निर्धारित कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। और अगर दिशा निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, स्टिल इसमें दिशा है। आप करंट की परिभाषा क्या बोलते हो? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो किसी दिशा में फ्लो कर रहे होंगे, हमेशा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ बढ़ते हैं करंट, यही तो होता है, जो करंट होती है ज्यादा वोल्टेज से करंट कम वोल्टेज की तरफ। या अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख ले तो हमेशा किधर होती है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो क्या आप उस दिशा से निर्धारित कर पा रहे हो कि स्केलर वेक्टर है? नहीं कर पा रहे हो। इस कारण नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी ये जो डेफिनेशन आज तक पढ़ते आए हो स्केलर और वेक्टर की, ये आप अधूरी पढ़ते आए हो। तो स्केलर और वेक्टर डिफाइन करने के लिए नो डाउट आपका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, या ऐसे बोल दो वेक्टर डिफाइन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, डायरेक्शन भी होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो क्या है कि इन दोनों के साथ इसे क्या फॉलो करना चाहिए? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? इसे सदिश योग का नियम भी फॉलो करना चाहिए। ये भी दो टाइप के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्लियरली अभी आगे। ये एक आपका क्या होता है? ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी होता है। तो एक नहीं, इस तीनों बिंदु का होना जरूरी है अगर आप ये बोलते हो कि कोई चीज वेक्टर होगी तो। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहने का मतलब ये क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। जैसे समझने का प्रयास करना, मैं बोलूं कि एक व्यक्ति यहां से यहां तक आया, d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक गया, d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं बोलूं टोटल दूरी इसने कितनी ट्रेवल की, तो आप क्या बोलोगे? d1 और d2 इसने ट्रेवल किया, मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया।
लेकिन अगर मैं बोलूं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम दूरी होती है और आप इसे क्या करोगे, मैच कर दोगे। आप इनिशियल पॉइंट जिसे आई बोलोगे और फाइनल पॉइंट जिसे एफ बोलोगे, इसके इसके बीच की दूरी आप नापोगे। आप रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन में देखते हो, क्या कर देखते हो कि कोई व्यक्ति पहले पूरब की दिशा में गया, फिर वहां से दक्षिण की दिशा में मुड़ा, फिर अपने दाहिने मुड़ा, फिर अपने बाएं मुड़ा, इतनी दूरी चलने के बाद अब वो कितनी दूरी पे होगा। तो वहां पे आप क्या करते हो, अल्टीमेटली क्या दूरी निकालते हो? नहीं, आप ये जब पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आप क्या करते हो, आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो कि आखिर वो कितना दूरी पे है। तो जब डिस्प्लेसमेंट करते हो तो आपको एक दिशा मिल गई, क्या दिशा मिल गई, ये इन दोनों के बीच में जो कोण है उसकी एक दिशा मिल गई। क्या मिल गया, इसके और इसके बीच का जो कोण है वो क्या हो गया, एक दिशा मिल गया। और कायदे से वो कोण क्या है, वो कोण थीटा है। ये बात समझ में आ रहा है, अभी मैं समझाऊंगा, ये कोण भी समझाऊंगा कैसे क्या हो रहा है। तो अभी जब हमने डिस्प्लेसमेंट को किया तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से किया। जबकि जब हमने डिस्टेंस निकाला, दूरी निकाला, तो यहां पे हमने स्केलर लॉ ऑफ एडिशन जोड़े। डिस्प्लेसमेंट में आपको स्केलर लॉ नहीं लगा सकते, वरना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए आप मॉड ऑफ डी वन प्लस डी टू लिखोगे, या इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर होगी। या आप इसे और सही तरीके से एंगल के साथ भी बोलोगे तो 2d1d2 cos थीटा बोलोगे, और ये cos थीटा, थीटा का जो प्रयोग आया था वो यही आया था। ये आपका क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्योंकि यहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहने का मतलब क्या है, दूसरी चीज समझने का प्रयास करिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि सपोज करो कि कोई व्यक्ति यहां से यहां तक गया d1, और यहां से फिर यू टर्न ले लिया, यहां से यहां पे आ गया d2 आया। तो क्योंकि d1 बराबर d2 है, तो अभी मैं पूछूं कि दूरी इसने कितना किया, तो आप बोलोगे सर d1 प्लस d2 किया, किया कि नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपसे विस्थापन पूछूंगा, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि जब ये इधर से गया तो इसके पास इधर की डायरेक्शन थी, जब इधर आया तो इधर की डायरेक्शन थी, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। मैं इसका मैग्नीट्यूड बोल दूं d1, इसका मैग्नीट्यूड बोल दूं d2, और d1 बराबर d2 है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अगर इसका डायरेक्शन में पलटू तो क्या हो जाएगा, माइनस d2 हो जाएगा, और d1 बराबर d2 है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है। ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा, जबकि जो डिस्टेंस हो रहा है वो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। और सिमिलरली ऐसे जब हम करंट की बात करते हैं, तो इसे और अच्छे से समझो कि ये पॉइंट थी, इससे करंट आई वन आ रहा है, यहां पर दूसरा वायर है आई टू आ रहा है, और सपोज करो यहां से कोई आ रहा है आई थ्री आ रहा है। अभी मैं यहां से एक बोल दूं और यहां से एक दूसरा बोल दूं, तो इस बिंदु पे I1, I2, I3। अब आप समझिएगा, मैं इस वायर को किधर भी घुमाऊं, चारों तरफ किधर भी घुमा दूं, क्या यहां से निकलने वाली जो करंट है, या सपोज करो कि एक ही वायर है ना, ये एक ही वायर है, यहां से जो निकलने वाली करंट है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। मैं इसको कितना भी घुमा लूं, किसी भी वायर को ऐंठ दूं, बूट दूं, किसी भी दिशा में कर दूं, लेकिन जो करंट आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 ही आएगा। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक इधर से आ रहा था, मैं कह रहा था ये I1 इधर से ना आके, ये है ना, I1 उधर से ना आके इधर से आ रहा होता, ये I1 इधर से आ रहा होता, तो क्या I2 और I1 दोनों को कैंसिल कर देते? कैंसिल नहीं करते, ये अभी भी क्या होता, I2 प्लस I1 यहां पे भी जुड़ता, अगर ये यहां पे ना होता, I1 इधर आ रहा था तो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन यहां पे क्या कर रही है, रोल प्ले नहीं कर रही है, या आप ऐसे बोल दो कि यहां पे स्केलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, अगर आप विद्युत धारा की बात करोगे तो स्केलर क्वांटिटी।